हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, हम लोगों ने कहते हुए सुना है बहुत सारे लोगों को, लक इज प्रोबेबिलिटी दैट टेकन पर्सनली। इसका मतलब क्या होता है? हर एक बंदा अपनी एक लक लेके आया है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छी लक है, किसी बेचारे की लक बहुत खराब होती है, जितनी मेहनत कर लो उसको उतना नहीं मिलता है फीडबैक, और वीकेंड से भगवान का आशीर्वाद, ठीक है, जो भी। तो कहीं ना कहीं हम लोग लक जो है उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज कोई भी आप लोग गेम खेल रहे हैं, आपने तुक्का लगा दिया, वो चल गया, तो अरे बाप रे क्या लक है, जोरदार। तो लाइक दैट, ओके, लाइक दैट वी ऑलवेज कोरिलेट द लक पर्सन इज कैरिंग एंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है, ये इसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, यही चैप्टर, यही प्रॉपर्टी का चैप्टर आज करने वाले हैं हम लोग, क्लास 10 सीबीएसई का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या है प्रोबेबिलिटी, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स इसके अंदर होते हैं जिसमें हम लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, कैश मार्क्स हैं, प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर एनी टाइम। सो आई एम यह सपना मैम, आज मैं आपको टूर करवाती हूँ प्रोबेबिलिटी का। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहां पर प्रोबेबिलिटी हियर वी कुड से दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज टू टेक चांस। कोई भी हम चांस ले लेते हैं, ओके, पॉसिबिलिटीज। आज हमें काम करने जा रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उस काम को करने के दौरान। टू टेक रिस्क, जी हाँ, रिस्क फैक्टर भी इसके अंदर बहुत काम करता है, ठीक है। टू टेक रिस्क, और वी कैन से टू गेस ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग रिलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो एक्चुअली इसका मतलब तो कुछ खास डेफिनेशन है नहीं, हाँ, बट इन सब चीजों को ग्रांटेड में लेकर हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी आप अंदाजा लगाते हैं, कहीं पे आपने रिस्क लिया हुआ है, कहीं पे आप चांस लेते हैं कोई काम करने का, यू डोंट नो कि इसका आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, हम बट चांस ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबको प्रोबेबिलिटीज कहा जाता है। आज सपोज कि मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और विराट कोहली जो है वो फील्ड पे आ गए बैट लेकर। नाउ एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हम लोग यही कहेंगे कि आज तो विराट ना मतलब बैंड बजा देगा सबकी, सामने जो भी टीम होगी एक्स वाई जेड, ठीक है, बैंड बजा देगा, आज तो वो 100 स्कोर कर ही लेगा एंड ऑल दैट। ओके, हम लोग ये सब चीजें अंदाजा लगा लेते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान तो आपको पता है क्या फीवर होता है लोगों के अंदर वर्ल्ड कप जीतने का, स्पेशली जब हमारे ऑपोजिट कंट्रीज के साथ रहता है, तो तब हम लोग ना बैठे बैठे अंदाजा लगा देते हैं, अरे इसको तो आज इतना स्कोर करना ही है, ये नॉट आउट नहीं हो सकता है एंड ऑल दैट। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग कहते हैं, वो तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलता है कि एक्चुअली क्या उसका फीडबैक हुआ, बट हम पहले ही कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, कुछ अपने व्यूज बोल देते हैं, बता देते हैं। तो ये सब चीजों का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। सो आज देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करने से पहले एक सिचुएशन सोच रहे हैं। सिचुएशन ये है कि ये आप लोगों का एक पार्क है, ठीक है, जस्ट अज्यूम एक पार्क है ये, और इस पार्क में आपने एक छोटा सा कहीं पे खड्डा जो है वो बना दिया है, ठीक है, छोटा सा खड्डा। नाउ दो दोस्त हैं, रोहित और चिराग, ठीक है, रोहित और चिराग। रोहित और चिराग जो है वो मार्बल्स लेके आए हैं, पता ना, कंचे, बहुत बहुत खेलते हैं बच्चे बचपन में, तो हम लोग, खैर आप लोगों ने भी खेले होंगे, तो ये जो कंचे लेके आए हैं वो अपने साथ, और उनका आज कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। क्या है कंपटीशन? कंपटीशन ये है
यहाँ पे बैठकर उनको कंचे जो है उस खड्डे में डालने हैं, ठीक है, थ्रो करने हैं, और उनका ये टारगेट है कि वो उस खड्डे के अंदर चला जाए। नाउ कंडीशन इज दैट कि इन दोनों को सिर्फ 5 मौके दिए जाएंगे। क्या? सिर्फ 5 मौके दिए जाएंगे, मौका चांसेस, सिर्फ 5 चांसेस हम दे रहे हैं उनको। तो शुरू करते हैं हम लोग रोहित से। रोहित को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चांस दिया। पहले रोहित की चांस आती है। तो अब जब हम लोग इसको फर्स्ट चांस दे रहे हैं एंड ही फेल्ड, ठीक है, उसका कंचा उस खड्डे में नहीं जाता है। सेकंड चांस दिया, अरे वाह चला गया। थर्ड चांस में भी चला गया। फोर्थ चांस, ओहो नहीं गया। फिफ्थ चांस, ओहो नहीं गया। ठीक है, चलो चिराग को देते हैं हम लोग। चिराग को भी हम लोग वही 5 चांसेस दे दे रहे हैं। देखते हैं चिराग क्या कर रहा है। चिराग का फर्स्ट चांस में गया, वाओ। सेकंड में भी गया, थर्ड में भी गया, फोर्थ ओहो नहीं गया, फिफ्थ यस गया। ओके, तो क्या हुआ, हम लोगों ने एक जस्ट सिचुएशन ले लिया, और सिचुएशन के अंदर हमने ये देखा कि रोहित ने 5 चांसेस में कितनी बार खड्डे में अपने मार्बल्स को थ्रो किया और चिराग ने कितनी बार थ्रो किया। नाउ यहाँ पे हमने चांसेस कितने दिए, 5। इसका मतलब कि ट्रायल्स कितने मिले उनको, टोटल ट्रायल्स 5 मिले, 5। ठीक है, नाउ रोहित ने, अगर हम बात करते हैं तो रोहित ने उस ट्रायल्स में से कितने ट्रायल्स में उसने खड्डे में डाल दिया, 2 बार, 2 बार उसे कंचे गए मार्बल्स। और चिराग को भी हमने सेम ट्रायल्स दिया, चिराग ने कितनी बार किया, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स। ओके, यहां पर होता है आपका प्रोबेबिलिटी शुरू। देखिए प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, P stands for probability and E stands for the event। जैसे अभी हम लोग ये टास्क कर रहे हैं तो ये इवेंट होता है, खतरों के खिलाड़ी ये सब आप देखते होंगे ना, उसमें टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे सारे इवेंट्स कहे जाते हैं। तो इन इवेंट्स में जितनी बार वो सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम मतलब रिजल्ट, कितनी बार वो रिजल्ट उनका फेवर में गया, और उसको करने के लिए कितनी बार उनको ट्रायल्स मिले, टोटल ट्रायल्स, यस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गई। वो फॉर्मूला यही बताती है कि हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो जितनी बार तुम्हें वो चांस दिया गया है, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, उन चांसेस में से तुम कितनी बार सही रिजल्ट लेके आते हो, फेवर में आपका आउटकम जाता है, दैट इज कंसिडर एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, सो चिराग और रोहित ने निकाल के देखे दोनों में से कौन थे, देखते देखते मजा आएगा। तो अगर हम रोहित की बात करते हैं तो रोहित ने सिर्फ 2 बार ही अच्छे से परफॉर्म किया आउट ऑफ 5 टाइम्स। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.4। 0.4 इंडिकेट्स 40%, दैट्स इट। ज्यादा चांस नहीं है रोहित का जीतने का, कभी भी बोल सकते हैं हम लोग ऐसा इस इवेंट के बेसिस पर। चिराग ने 5 में से 4 बार उसने थ्रो किया, दैट मींस अगर आप उसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.8। तो क्या हुआ, 80%। ओके, डबल ऑफ रोहित। तो चिराग के विनिंग चांसेस जो है वो 80% है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब बेटा मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, इसी में एक और केस ले लेती हूँ मैं, ठीक है। और मैं ये सपोज करती हूँ कि रोहित का, अब देखिए रोहित का एक बार भी लक साथ ही नहीं दिया बेचारे का, ठीक है, बेचारे ने कोशिश की बट एक बार भी उसका कंचा जो है उस खड्डे में नहीं गया। और अगर हम चिराग की बात करते हैं तो इस जनाब की तो लक इतनी साथ दे गई कि 5 के 5 बार, ठीक है, 5 के 5 बार उसका कंचा उस खड्डे में गिरा। अब अगर मुझे रोहित की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, अगर मुझे रोहित की निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी इन सेकंड केस, तो क्या होगा, एक बार भी नहीं हुआ फेवरेबल आउटकम, नो, 0। चांस कितनी बार मिला था, 5, तो आंसर क्या आया, 0। और अगर मुझे रोहित चिराग की निकालनी होगी तो चिराग ने क्या किया, 5 बार, ठीक है, मार दिया सबको बस,
और चांसेस उसको 5 टाइम्स मिले थे। क्या आया आंसर? 1। यस, आप सही गैस कर रहे हो। मुझे समझाने का मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि 0 भी आ सकती है और आंसर 1 भी आ सकता है, और इसके बीच में जैसे हमारा 0.4 और 0.8 आया। तो हम लोग एक फाइनल गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या क्या अभी तक प्रोबेबिलिटी में। सो प्रोबेबिलिटी में हमने एक तो इसका देखा डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला एप्लीकेशन। सो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल ट्रायल्स, वॉट एवर। ओके, एक ही चीज देखी हम लोगों ने। सेकंड, सेकंड हमने रेंज देखा। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में आता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ठीक है, अभी अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया, तो आंसर 0 भी आ सकता है, आंसर 1 भी आ सकता है, और आंसर इसके बीच में भी आ सकता है। ना 0 से नेगेटिव में जाएगा, ना कभी 1 से आगे जाएगा। जी हाँ, ये जितने भी, ठीक है, आज चलो चिराग और रोहित आए, अगर मैं कोई और भी ले लेती हूँ इनके साथ फ्रेंड, तो इन सबकी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि नहीं आ रहा है फेवरेबल तो 0, सारे में आ गया तो 1, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो दैट्स व्हाई द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ इवेंट्स की बात करेंगे। इवेंट्स मतलब देखिए, बेसिकली आई वुड से ओवर हियर दैट जो इवेंट, ठीक है, होता ही है, कंपलसरी होगा ही, उसको हम लोग कहेंगे श्योर इवेंट्स। उसको हम लोग कहेंगे श्योर इवेंट्स। श्योर मतलब सर्टन, होना ही है, पॉसिबल। ओके, श्योर इवेंट्स। इसका मतलब मैम सुनिए, जैसे कि हमें पता है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब मून कभी भी जुपिटर के तो आसपास नहीं घूमने वाला ना, अर्थ के आसपास घूमने वाला है। तो अगर ये आपके पास स्टेटमेंट आता है और आपसे कहा जाता है कि भाई इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे कि ये तो होना ही है। ओके, इट इज द श्योर इवेंट। तो कभी भी ऐसी कोई श्योर इवेंट होती है तो उसके लिए हम आंसर हमेशा 1 लिखते हैं, क्योंकि वो चीज हो ही रही है, होना ही है, हम रहें या ना रहें। लाइक अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 डेज, अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, वो होना ही है। आप और मैं इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम क्लॉक बंद भी कर लेंगे बट जो नेचुरल क्लॉक है वो तो चलने वाली है। तो जहां पर भी श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा, याद रखना, हमेशा 1 ही होगी। नो नीड टू फाइंड एनीथिंग, इट्स लॉजिकल। और कुछ ऐसे इवेंट्स जो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट्स और अनसर्टन, कुछ भी कर लो ऐसा होने ही नहीं वाला है, अनसर्टन इवेंट्स, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका आंसर 0 होता है। कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल। इफ आई वुड से राम स्कोर्ड 50 मार्क्स, राम स्कोर 51 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क पेपर इन मैथ। ओके, राम ने 51 मार्क्स स्कोर किए 50 मार्क्स में से, पॉसिबल है?
अब मेरे को पता है बच्चों, आपका दिमाग ना वो खुराफाती है। आप ये बोलोगे मैम वन मार्क नीटनेस के मिल गए हम लोगों को, तो ठीक है, राम को वन मार्क नीटनेस के मिले होंगे या गुड हैंडराइटिंग के मिले होंगे। वेल यू ऑल नो प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, 50 में से 51 मार्क लाना नॉट पॉसिबल। तो ऐसे कुछ इवेंट्स जो पता है नहीं होने वाले हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सन राइजेस इन द नॉर्थ, हाँ होगा पॉसिबल? नहीं होने वाला, कुछ भी हो जाए नहीं होने वाला। तो जब इस तरीके के फॉर्मेशनल स्टेटमेंट्स आएंगे, इस तरीके जब इवेंट्स की बात करेंगे, हमें पता है नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर हमेशा रहेगा जीरो। वी कुड से नॉट पॉसिबल, जीरो आंसर। एंड कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके चांसेस 50-50% होते हैं। 50-50 कहें या सेम चांस, जो भी इवेंट में जितनी भी घटनाएं होंगी, ठीक है, जितने भी सब इवेंट्स अकर्ड होंगे, उन सबके चांसेस 50-50% होंगे या सेम चांसेस होंगे। उन तरीके के इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम या इवेंट्स। मैं मतलब देखो बेटा, अगर मैं ये कहती हूँ दैट अ मदर डिलीवर्स अ बेबी, अब आप मुझे बताओ बेबी कौन होगा? मैम या तो लड़का होगा या लड़की होगी, आइदर इट बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जहां पे चांसेस सेम है, चांस कैसा हुआ 50% चांस, तो कोई भी इवेंट होने के जब चांसेस सेम होते हैं तो उसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ स्टेटमेंट कोई भी, ओके, जस्टिफाई इट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एग्जाम में आता था ना हम लोगों को, स्टेटमेंट दिया जाएगा और बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब हमें मे बी नहीं लिख सकते हो, नहीं, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं होता। इट फिक्स इधर ट्रू और फॉल्स, तो अगेन चांसेस कैसा हुआ इसका? 50-50% चांस हुआ। ठीक है, ओके। अ डाई इज रोल्ड, अगर वो रोल हो रही है तो चांसेस क्या होगा? या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, सबके लिए चांसेस फिक्स है। ठीक है, 1 को भी एक ही मौका मिलेगा ऊपर अपियर होने के लिए, तो 4 को भी एक ही मौका मिलने वाला है और कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके के इवेंट्स, ठीक है, जहां पर रेशियो ऑफ अकरेंस फिक्स होता है, इस फिक्स, ठीक है, उस तरीके के आउटकम्स या उस तरीके के टास्क को हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, समझ आया इस तरीके से बेटा? ओके, अब एक सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग, बहुत आसान से सिचुएशन ले रहे हैं। मैं ले रही हूं फ्लिपिंग ऑफ कॉइन। क्या ले रही हूं मैं? फ्लिपिंग, वो टोस करते हैं ना, उछालते ना, फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन। अब बेटा देखो, ये अगर मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ सकता है? या हेड या टेल। अब आप सपोज कीजिए कि मैंने मैंने जो है वो 3 बार कॉइन उछाला, ओके, आप करके देखिए घर पे। नाउ आपने जब 3 बार कॉइन उछाल दिया तो टोटल ट्रायल्स कितने ले रही हूं मैं? टोटल ट्रायल्स कितने ले रही हूँ मैं? 3। सपोज कि फर्स्ट केस में आई गॉट हेड, सेकंड में आई गॉट हेड एंड इन थर्ड आई गॉट टेल। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड कितनी बार आ गया मेरे पास? 2 बार, और टोटल मेरे पास चांसेस कितने थे? 3, तो 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी बार चांस है? एक ही बार आया, तो 1/3। नाउ ऑलवेज कीप इन माइंड दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज,
सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेम इवेंट इज ऑलवेज वन. जी हाँ, उसका आंसर हमेशा वन आएगा. देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं प्रोबेबिलिटी हेड की ले लूं और टेल की प्रोबेबिलिटी को प्लस करूं, मैंने उसको ई बार लगा दिया, ठीक है, तो 2/3 + 1/3 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही डिनोमिनेटर है, 2 + 1/3 3/3 आंसर क्या आया, 1. आई टोल्ड यू. ओके, तो जो इवेंट होता है और जो इवेंट उसे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए बट हो जाता है, उन दोनों का प्लस हमेशा आपका आंसर वन आएगा. जी हाँ, इसको आपको प्लीज ध्यान देना है. एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी. ओके, इट्स वेरी इजी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर्ड इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर्ड इवेंट इज ऑलवेज वन. सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट जो ई नॉट है, मतलब नॉट ई, जो इवेंट नहीं हो रहा है, ई बार, ठीक है, इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट अकर्ड, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट. समझ में आ गया ना? आज हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, क्या उसमें कोई लिखा होता है, मैम कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है आपके पास, मतलब कि इसके साथ ये आपको आ ही जाएगा. आपको वो ड्रिंक पीनी है कि नहीं पीनी है, दैट्स अप टू यू, ठीक है, बट वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. तो सिमिलरली आज मैंने कॉइन जो है उसको फ्लिप किया, तो मुझे एक्चुअली चाहिए था हेड, बट चांसेस हैं टेल भी आ गया मेरे पास, तो वो इवेंट जो नहीं चाहिए था वो हो गया, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहते हैं जो होना ही है. सो दिस इज अबाउट द बेसिक आइडिया आई हैव गिवन अबाउट द प्रोबेबिलिटी, द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व द सम. अभी हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इवेंट्स एंड देयर सैंपल स्पेस. कुछ ऐसे इवेंट्स जो होते ही हैं, ओके, तो क्या होगा कि आपको उनका सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, सो दैट इट वुड बी इजियर टू डू द सम. सैंपल स्पेस मतलब, मैं सैंपल स्पेस का मतलब यह है कि आज कोई भी हम इवेंट अकर करेंगे तो चांसेस क्या क्या हैं, उसके रिजल्ट के चांसेस क्या क्या हैं. लाइक अगर मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ तो चांसेस क्या क्या है, या वन आएगा, या टू, या थ्री, या फोर, या फाइव, या सिक्स, ठीक है, तो इतने ही चांसेस हैं, तो उन चांसेस को हम कहते हैं सैंपल स्पेस. ओके, फर्स्ट सैंपल स्पेस हम शुरू करते हैं, फर्स्ट इवेंट हम शुरू करते हैं. फर्स्ट इवेंट जो है दैट इज अ फ्लिपिंग कॉइन. Or else we can say tossing of a coin. ठीक है, अब आप सबको पता है, ये देखिए, ये ना हमारे जनाब सेठ जी, ओके, ये सेठ जी जो है वो सिक्का उछाल रहे हैं, कुछ कुछ अच्छे से उनको कुछ काम वाम करना होगा, ठीक है, देखना होगा क्या हो रहा है, तो ये सिक्का उछाल रहे हैं. दैट इज, अब इनके पास क्या चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. यहाँ पर अगेन हमें भी तो वही आएगा, हमारा कौन सा सिक्का ऐसा है कि हमको दोनों हेड देगा या दोनों टेल देगा. ओके, तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जिसके अंदर आउटकम्स कितने आ रहे हैं, इसके आउटकम्स क्या हैं, या हम लोग सैंपल स्पेस कहें, और सैंपल स्पेस कितने आएंगे, सिर्फ दो. ओके, सिर्फ दो आएंगे, कौन से आएंगे, हेड और टेल, दैट्स इट, ठीक है, समझ गए हम लोग. अब इसी में हम एक और कंडीशन ले लेते हैं. नाउ इट इज लाइक टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, एक साथ हम लोग दो कॉइन उछाल रहे हैं, दोनों हाथ में, और उसको उछालेंगे, या तो ये रहेगा, या तो हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है. अब आपके पास दो कॉइन है, दोनों को एक साथ उछाल रहे हो, या तो फिर
एक ही कॉइन है और एक कॉइन को आप दो बार उछाल रहे हो, दोनों के अंदर आउटकम्स जो रहेंगे, सैंपल स्पेस जो रहेगा वो सेम होगा। देखते हैं क्या सैंपल स्पेस होगा। अब बेसिकली बेटा मैं आपको इसके अंदर एक मेथड बता रही हूँ सॉल्व करने का, बहुत इजी है। उसमें आपको कॉइन को दो बार कहे, चार बार कहे, तीन बार कहे, आप आराम से निकाल सकते हैं। सो क्या है, दैट इज कंसिडर एज अ ट्री मेथड। ओके, ना सपोज कि ये फर्स्ट चांस है और यहां पर हम सेकंड चांस ले लेते हैं, कॉइन वन एंड कॉइन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कॉइन ले लिए, या तो फिर तुम लोग चांस वन एंड चांस टू करके भी कर सकते हो। सपोज कि फर्स्ट चांस में जब हमने सिक्का उछाल दिया और जो पहला कॉइन है उसके अंदर आया आंसर हेड, तो मुझे बताओ कि जो सेकंड कॉइन होगा उसमें आंसर क्या आ सकता है? आप लोग मैम वो कैसे बताएंगे, या तो हेड या टेल आएगा ना, कोई फिक्स तो है नहीं। अगेन बिल्कुल करेक्ट, या हेड होगा या टेल होगा। मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, अगर हमारा फर्स्ट कॉइन में आंसर टेल आता है तो सेकंड कॉइन में क्या होगा, क्या आएगा? आप बोलोगे मैम अगेन इधर हेड और टेल, दैट्स इट, हमारा सैंपल स्पेस रेडी है। हमारा सैंपल स्पेस रेडी हो गया, कैसे? काउंट करते जाओ, हेड हेड, ठीक है, ये आपको जो लाइन नजर आ रही है ना, इस लाइन में आप इस तरीके से मर्ज करते जाओ, एच एच, फिर क्या आ जाएगा, एच और टी, एच टी, देन टी एंड एच, टी एच, टी एंड टी, टी टी, डन। नाउ टोटल आउटकम्स कितने हुए, काउंट कीजिए तो 4। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी दो कॉइन को एक साथ उछालेंगे या तो फिर एक कॉइन को दो बार उछालेंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा, एच एच, टी टी, एच टी एंड टी एच, चार आउटकम्स, उसके आगे नहीं मिलने वाला है। एक और हम ले लेते हैं इसके अंदर ही, थर्ड केस। सो थर्ड केस हम ले रहे हैं जहां पे हम लोग तीन कॉइन ले लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन थ्राइस और टोसिंग थ्री कॉइन्स साइमल्टेनियसली। डन, ओके, सेम ट्री मेथड ही करेंगे। सो यहां पे हम लोग लेते हैं सी वन, यहां ले लेते हैं सी टू, यहां लेते हैं सी थ्री। अगर आप एक कॉइन की बात कर रहे हो तो टेक इट एज अ चांस वन, चांस टू, चांस थ्री, और अगर आप तीन कॉइन की बात करो तो आप इसको ऐसे कॉइन वन, कॉइन टू, कॉइन थ्री, हमारे ऊपर ही समझना कैसे हम समझ सकते हैं। मैं कॉइन वन, कॉइन टू, कॉइन थ्री लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट कॉइन उछाला तो उसके अंदर मेरे को आया अगेन हेड, तो सेकंड कॉइन में चांस क्या है? आप बोलेंगे मैम हेड या टेल। अगर सेकंड कॉइन में हेड आया तो फिर थर्ड कॉइन में चांस क्या है? आप कहेंगे मैम वही, यहाँ हेड या टेल। होशियार हो गए मेरे बच्चे, होशियार, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेल आ गया तो अगेन हेड या टेल। सिमिलरली अगर कॉइन वन में टेल आता है तो कॉइन टू में चांस इधर हेड और टेल, अगर हेड आया तो चांस हेड और टेल, और अगेन टेल आया तो चांस क्या होगा, हेड और टेल। सो लेट्स कैलकुलेट द आउटकम्स और सैंपल स्पेस, काउंट इट। नाउ सी, हेड हेड हेड, ठीक है, एक ही लाइन में लेते हुए जाना। तो तीन आ गए अपने पास, एच एच एच, फिर लेते हैं हम लोग एच एच टी। इसमें क्या होता है, गलतियां नहीं होती, ठीक है। अगर हम लोग रैंडमली लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि हम कुछ भूल जाएं, और हमें तो वो भी नहीं पता हो सकता है कि भाई कितने सैंपल स्पेस हैं। इसमें काउंटिंग भी सही होगी और साथ के साथ सैंपल स्पेस आ भी जाएंगे। अगेन एच टी एच, एच टी टी, फर्स्ट क्राइटेरिया फिनिश्ड। ओके, सेकंड क्राइटेरिया पे मूव करते हैं, आई मीन जो सेकंड हम लोगों ने टेल का पोर्शन लिया है उस पे।
टेल हेड हेड टी एच एच फिर आएगा टी एच टी एच एंड टी टी काउंटेड फटाफट से काउंट कीजिए। यस बिल्कुल सही, कितने आ गए? 8 आउटकम्स। ओके सो बेटा बाय दिस वे, ओके बाय दिस वे यू आर एबल टू फाइंड द आउटकम्स ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन एंड लाइक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे खैर बेसिकली 3 से ज्यादा होता नहीं है, बट फिर भी इन केस अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं। ऐसे 3 निकाले या कुछ 4 भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेकंड इवेंट लिखने वाले हैं, बेसिक इवेंट दैट इज डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स हम लोग को पता है, ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड जिसको हम कहते हैं। मैंने आपको एक इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बेसिकली आप देखिए, आपको वहां पे कुछ शेप दिए हुए हैं। ओके, ये एक शेप है, दिस इज द अनदर शेप। ओके, ये लाइक दिस इज डायमंड शेप, दिस इज क्लब, स्पेड, हार्ट, और 3 हमें फेस कार्ड्स दिए हुए हैं, जैक, क्वीन, किंग एंड लास्ट वन इज एस, मतलब इक्का। बेसिकली जितने भी कार्ड्स होते हैं वो इन्हीं में से ही सारे मतलब बनाए जाते हैं। कलर्स और शेप अलग होते हैं ऑफ द सिंबल, बाकी सब सेम होता है। नाउ यू एंड मी ऑल नो, ठीक है, हमें पता है कि टोटल डेक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 52। 52 कार्ड्स होते हैं। अब अगर हम इस 52 कार्ड्स को सेक्शनाइज करते हैं, हम उसको अगर सेक्शनाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सेक्शन बनेंगे। कौन से 2 सेक्शन? एक रहेगा रेड सूट, मतलब कि रेड कलर कार्ड्स, और एक रहेगा ब्लैक कलर कार्ड्स। ठीक है, ब्लैक कलर कार्ड्स। अब 52 है, उसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो अगर आप उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको हर एक सेक्शन में कितने कार्ड्स मिल जाएंगे, 26 एंड 26। डन, तो यहाँ पे हमें हर एक सेक्शन में 26 26 कार्ड्स मिल गए। नाउ इसको अगर हम और सेक्शनाइज करें तो हमें रेड में 2 शेप के हार्ट्स मिल 2 शेप के कार्ड्स मिलते हैं, सॉरी, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। अब देख सकते हैं फिगर में, डायमंड शेप रेड कलर, हार्ट शेप रेड कलर। ओके, अब 26 को हम लोग इक्वली और डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे, 13 13 कितने हो गए, तो 13 कार्ड्स हो गए हार्ट के और 13 कार्ड्स हो गए डायमंड के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ब्लैक को सेक्शनाइज करते हैं, ब्लैक को सेक्शनाइज करेंगे तो इसमें हमें एक मिलेगा स्पेड और एक मिलेगा क्लब। ओके, अब स्पेड देखिए, ये जो है इस तरह के जो पत्ते होते हैं उसको हम कहेंगे स्पेड, और ये जो होते हैं लीफ की तरह, ओके, इसको हम कहेंगे क्लब। अब देख सकते हैं दोनों ब्लैक कलर के हैं, तो इसके लिए 13 हमारे पास स्पेस कार्ड्स हो जाते हैं और 13 हमारे पास क्लब कार्ड्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कार्ड्स को सेक्शनाइज कर लेते हैं और 4 सेक्शंस में हमारे कार्ड जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, हार्ट डायमंड रेड कलर, स्पेड क्लब ब्लैक कलर। इसमें क्या, नाउ पत्ते सारे सेम होंगे, ठीक है, पत्ते सारे सेम होते हैं। इन 13 पत्तों में किस किस तरीके के हम लोगों को कार्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो हम लोग अभी स्पेसिफाई कर लेते हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक, आप लोगों को इन सब के अंदर राजा जी, ओके, रानी साहिबा और उनका गुलाम, ये 3 आपको मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं जे क्यू एंड के, इन
इन तीनों को हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं हम लोग? फेस कार्ड्स, या तो पिक्चर कार्ड जिसमें चेहरा नजर आ रहा है, पिक्चर कार्ड्स। अगर आप इमेज को गौर से देखिए तो देखो, जैक जो है ना, वो आपको दिया हुआ है क्लब का, क्वीन दी हुई है डायमंड की, और किंग दिया हुआ है हार्ट का। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हर एक सेक्शन में, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, चारों सेक्शन में आपको ये पत्ते नजर आएंगे। बस फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ कलर का होगा और बेसिकली ये सिंबल का होगा, दैट्स इट। तो ये तीन हम लोगों को मिलते हैं फेस कार्ड्स। तो अगर आप टोटलिंग करने जाओ, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? एक सेक्शन में, सपोज हार्ट में तीन है, तो ऐसे हमारे पास चार सेक्शंस हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स हो जाते हैं हमारे पास 12। ओके, जिसके अंदर पूरे पूरे 52 डेक ऑफ कार्ड्स में राजा चार होंगे, रानी जी भी चार होंगी, और गुलाम जी भी कितने होंगे? चार होंगे। डन। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद आता है हमारे पास इक्का, हुक्म का इक्का। ओके, जिसको हम बोलेंगे एस। ये है आपके पास इमेज, आप देख सकते हैं, ठीक है, एस इक्का। बाकी क्या बच गया? बाकी हमारे पास बच गया नंबर। इक्का को बेसिकली, एक को बेसिकली हम लोग वन काउंट करते हैं, तो बाकी टू से स्टार्ट होते हैं, टू से लेकर 10 तक के नंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2, 4, 8, 9। ओके, सो टू से लेकर 10 तक के ऐसे नंबर्स होते हैं। ये कंप्लीट सेक्शन होता है 52 कार्ड्स का। आई होप आपको समझ में आया हो, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि जब क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके बेसिस पे, तो अगर आपको ये पूरा माइंड में क्लियर है तो यू कैन इजीली आंसर इन अ सेकंड, ठीक है। बट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो खैर सिंपल है, कुछ है नहीं, और हम सब लोग काफी वाकिफ हैं, डेक ऑफ कार्ड से घर पे होते ही हैं हम लोगों के, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको सेक्शनाइज किया गया है। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग हमारे थर्ड बेसिक इवेंट पे जाते हैं, दैट इज रोलिंग ऑफ डाइस। नाउ वी नो, देखिए मैंने आपको एक इमेज देके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि किस तरीके से आपको डाइस को नंबर दिया जाता है। हालांकि हम सबने लूडो खेला हुआ है, हम सबने सांप सीढ़ी खेली हुई है, ठीक है, हम सबको पता है कि किस तरीके से डाइस में नंबर लिखे होते हैं। सो इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर हम लोग एक ही डाई को एक ही बार रोल करते हैं, इसमें मैं फर्स्ट कंडीशन ले लेती हूँ, रोलिंग ऑफ अ डाई या डाइस वंस, ठीक है, एक बार। तो अब बताइए इसके आउटकम्स क्या होंगे? आउटकम मतलब मैंने बताया था सैंपल स्पेस, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है इसके अंदर? आप कहेंगे मैम कुछ भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर। यस, एनी नंबर, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, कुछ भी आप डाई को उछाल को और उसको रोल करो, यू विल गेट एनी ऑफ द नंबर, बट पॉसिबिलिटी सबकी आने की है। तो इसके लिए टोटल आउटकम्स जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 6। टोटल आउटकम्स आर 6। अब यहीं पे हम एक और केस ले लेते हैं, इसके अंदर हम कहेंगे रोलिंग ऑफ डाइस ट्वाइस और रोलिंग ऑफ टू डाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक डाई को उछाल के ले और दोबारा उछाले, या तो फिर दो डाइस को आप एक साथ, ठीक है, एक साथ थ्रो करें, रोल कर दें, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो दोनों में सेम रहेगा। अब ये रिजल्ट कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं, आइए। सी, अगर मैं ये कहती हूं कि मेरा जो फर्स्ट मैंने फेंका डाई को, ठीक है, उसका आंसर आया, उसका रिजल्ट आया 1, तो जो मैं दूसरा फेंकूंगी या दूसरी बार फेंकूंगी उसमें आंसर क्या आ सकता है? क्या फिक्स आंसर होगा? आप बोलोगे नहीं मैम कुछ भी आ सकता है। यस, वही हमें करना है। तो क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3,
फाइव एंड सिक्स, कुछ भी आ सकता है। ओके, अगर मैं फिर से फर्स्ट वाला डाई फिर से फेंकती हूँ, उसमें मेरे को आंसर टू आया, अपर फेस जो है वो टू आ गया, तो बाकी जो रहेंगे उसमें क्या आएगा? यू विल से मैम अगेन सेम 1 2 3 4। यस, बस यही चीज आपको समझनी है। और इसी चीज को लेकर हम लोग जब ये सैंपल स्पेस तैयार करते हैं, हम लोग जब ये सैंपल स्पेस तैयार करते हैं, ये सैंपल स्पेस हमारे आउटकम्स हो जाते हैं। यस, ठीक है। सो 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, इस तरीके से। और बेशक जब भी आपको सम पूछा जाएगा, आपको ये रफ में बनाना ही होगा, बिकॉज बिना बनाकर, अब बिना सैंपल स्पेस शो करके आपका सम करना मुश्किल है, जो भी हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, यू विल कम टू नो। तो इस तरीके से हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं। सो अब तक हम लोगों ने 3 सैंपल स्पेस देखे। कौन कौन से देखे? एक तो हम लोग कॉइन का देख लिया, और कॉइन में भी हमने 3 केस देख लिए। फिर हमने डेक ऑफ कार्ड्स देख लिया, ठीक है, उसके अंदर कैसे सेग्रीगेशन होते हैं। और अभी हम लोग डाई का देख रहे हैं। ये बेसिक इवेंट्स हैं। इनके इनके बेस पे कभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद को ही सैंपल स्पेस रेडी करना पड़ जाता है। ओके, नाउ जस्ट काउंट इट एंड लेट मी नो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। काउंट इट मैम, सीरियसली देखो, अगर आप देख लो तो ये वाली जो लाइन है उसमें कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये वाली लाइन में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो आउटकम्स कितने हो गए? 36। आउटकम्स कितने हो गए? 36। तो ये हो जाता है 2 का। मैम 3 का नहीं करना, नहीं करना है, हमारे लेवल में इतना ही आएगा और हम इतने पे ही फोकस करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आया किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं? बाकी तो क्वेश्चंस करते जाएंगे, और उसमें जो सिखाना होगा मैं तब सिखाती जाऊंगी। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज।